सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रेजिस्टर कैपेसिटर के जैसे ही सेल का भी कम्बिनेशन होता है, और आज हम लोग सेल के पैरेलल कम्बिनेशन की बात करेंगे, वो भी नॉन आइडेंटिकल सेल। अभी नॉन आइडेंटिकल की बात हम लोग समझ लें, सेल को नॉन आइडेंटिकल तब बोलिएगा जब उसके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर दो सेल दिख रहा है, एक का ईएमएफ E1, दूसरे का E2, इंटरनल रेजिस्टेंस पहले का R1 और दूसरे का R2। वैसे केस में आप इनको नॉन आइडेंटिकल सेल बोल सकते हैं। तो अगर ये सेल नॉन आइडेंटिकल हैं तो चलिए ठीक है, मार्क कर देते हैं E1, R1, E2, R2। और जैसा कि आप जानते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन तब कहा जाता है जब दो डिफरेंट पाथ के अलोंग कॉमन पॉइंट के बीच में कंपोनेंट कनेक्टेड हों। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है दो डिफरेंट पाथ के अलोंग पॉइंट ए और बी के बीच में ये कनेक्टेड हैं। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी की बात करें तो ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, जिसको वी मान लीजिए। और अगर आपने इसको वी मान लिया तब दोनों सेल अपने अपने करंट प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि दो डिफरेंट पाथ है तो एक से I1 दूसरे से I2। जैसा आप जानते हो, हमने सेल के लिए इक्वेशन लिखा था वी इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। यहाँ से अगर हम IR को इधर ले करके आएँ तो हमारे पास रिलेशन IR इज इक्वल टू ई माइनस यहाँ वी हो जाएगा, और तब I इज इक्वल टू आप लिख पाओगे ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो, ई बाय आर माइनस वी बाय आर। तो I1 करंट जो है E1 सेल से जा रहा है, इसलिए इसको E1 बाय R1 माइनस वी तो कॉमन है बाय R1 लिख सकते हैं। और अगर हम I2 करंट की बात करें तो इसको E2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस वी डिवाइडेड बाय R2 लिख सकते हैं। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू यहाँ पर E1 बाय R1 माइनस सॉरी प्लस E2 बाय R2 माइनस वी कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ऐसा कुछ रिलेशन आएगा। इस रिलेशन को आप इक्वेशन नंबर कौन सा 1 मान लीजिए। अभी जैसा आपको मालूम है कि उन दोनों कंपोनेंट को हटा कर अगर सिंगल यूज कर लें तो सिंगल को हम लोग इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का सेल बनेगा जो कि पॉइंट ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड होगा। तो ऐसे केस में जो टोटल करंट है I1 प्लस I2 इधर से फ्लो कर रहा है, इसलिए अभी I इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, इसी पैटर्न पे सेम यही वाला पैटर्न यूज कर लीजिए। तो आपके पास क्या होगा, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट माइनस वी बाय R इक्विवेलेंट। अब अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, किसको किसको, तो इक्वेशन वन आपको दिख रहा है, दूसरा जो इक्वेशन बना उसको इक्वेशन टू मान लीजिए और तब कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करने के बाद से आपके पास क्या आएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और इसी तरह से E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ध्यान रहे कि सेल की पोलरिटी इसी तरह से होनी चाहिए, अगर किसी सेल की पोलरिटी अपोजिट है तो उसका EMF भी माइनस हो जाएगा ज़रूरत पड़ने पे। और अगर हम बहुत सारे सेल यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे केस में इन जनरल हमको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा एन टर्म तक, और तब हमारे पास ये रिलेशन EN बाय RN हो जाएगा। बहुत मज़ेदार ये है, इसमें लगभग सभी को थोड़ा सा डाउट एंड कन्फ्यूजन हो जाता है। हमने जब सीरीज में लिखा था तो इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 है ना EN तक लिख दिया था, तो यहाँ पर पैरेलल है तो हमारे मन में एक विचार आता है कि 1 बाई ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई E1 प्लस 1 बाई E2 प्लस डॉट 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 1 बाई EN होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, आप एक्चुअल डेरिवेशन देख सकते हैं। हाँ, अभी एक सिचुएशन आपके पास ये भी हो सकता है
कि नॉन आइडेंटिकल के जगह आपके पास आइडेंटिकल सेल हो, और आइडेंटिकल सेल रहने के केस पे ये E1, E2, R1, R2 नहीं, सब सेल एक जैसे। अब सभी सेल अगर एक जैसे हो गए है ना, तब वैसे केस में क्या होगा कि आप यहाँ अगर लिखते हैं 1/R equivalent है ना, तो 1/R equivalent इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN लिखना था। लेकिन मान लेते हैं कि और भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इतने से ही काम नहीं चलेगा है ना, 1, 2 और N तक हम आए हुए हैं, बीच में भी और कोई कोई कम्बिनेशन है, ठीक है, सबको रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं। सभी R हैं इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे कितनी बार, N टाइम्स। और अगर आप इसको N टाइम्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, N/R, याद रखें N/R, 1/R equivalent। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि R equivalent इज इक्वल टू R/N। ओके, चलिए इसी तरह से हमको इक्विवेलेंट निकालने की बात आएगी, तो फिर हम E equivalent/R equivalent इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डॉट 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 EN/RN, ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि सभी आइडेंटिकल हैं तो यहाँ से जो सफिक्स में आपने लिखा है उसको हटा दीजिए, सबस्क्रिप्ट हटा करके यहाँ पर N टाइम्स इसको ऐड कर दीजिए सीधे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, N E/R। और अगर हम यहाँ से सीधे इक्विवेलेंट लिखते हैं तो N/R equivalent इधर आ जाएगा। ओके, यहाँ आप NE/R/R equivalent कितना था, तो R/N था, कैंसिल होके देखिए ये वापस E के इक्वल आ गया, यानी इतने सारे मल्टीपल सेल आपने यूज़ किए और जो नेट मिल रहा है वो सिंगल के कारण मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बन सकती है, और जो इक्विवेलेंट सर्किट आपको दिख रहा है वो कुछ ऐसा है। पिछली बार भी मैंने एक बात बताया था कि जब सेल को क्लोज करना हो सर्किट में तो हम एक बाहर का रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेने के बाद हम इससे कितना करंट हो इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा दिख रहा है यहाँ भी जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा कुछ ऐसा होगा, ये तो सिंगल सेल वाला हो गया, और सिंगल सेल से करंट जो हमारा एक्सप्रेशन पिछली बार आया था वो E/R+R था, लेकिन यहाँ पर E इक्विवेलेंट हो जाएगा और यहाँ पर R इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर हम वैल्यूज दे दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर तो E इक्विवेलेंट की जगह पर केवल E है और ये R प्लस, ठीक है, R/N। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू, देखिए आपके पास NE/NR+R आएगा। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को लाने के बाद अब हमारे पास फर्दर दो केसेस हो सकते हैं। एक तो आपके पास जो R है वो मच ग्रेटर देन R है, ऐसा हो अगर तो आप लिख सकते हैं R+R इज इक्वल टू, ओके, या सीधे फार्मूला हम लोग उसी तरह रहने देते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। तो वैसे केस में अगर आपके पास R है वो मच ग्रेटर देन अगर R हो जाए तो R+N वो ऑब्वियसली R के इक्वल हो जाएगा, और R के इक्वल हो गया तो I इज इक्वल टू आप NE/ क्या लिखेंगे, R, ओके, ऐसा NE/R, N तो है नहीं ऊपर, यहाँ से आ रहे हैं हम लोग वापस इस फॉर्मूले से। ऐसे केस में ये आपको करंट ड्यू टू सिंगल सेल मिला, सिंगल सेल का करंट। यही चीज़ अगर हमारे पास ऐसा हो कि R मच लेस देन ऐसा, तो ऑब्वियस है कि R+R/N इज नियरली इक्वल टू R/N ही हो जाएगा,
तब आई का वैल्यू आप देखेंगे तो एन ई डिवाइडेड बाई आर, मतलब एन टाइम्स है ना करेंट ड्यू टू क्या सिंगल सेल। तो जिसमें करंट हमको ज़्यादा मिले सेल से वही कम्बिनेशन हमारे लिए प्रिफेवरेबल होगा, वही कम्बिनेशन हमारे लिए अच्छा होगा। और ये कंडीशन तब आएगा जब सेल आपका डिस्चार्ज सिचुएशन में होगा। तो अगर सेल पूरी तरह से चार्ज है, ये सिचुएशन है, उसमें करंट ड्यू टू सिंगल सेल मिल रहा है, तो पैरेलल कम्बिनेशन करने का कोई औचित्य बनता ही नहीं। लेकिन इस केस में जब सभी सेल डेड हो चुके हैं और आपको थोड़ा बहुत करंट की ज़रूरत है, पैरेलली कनेक्ट कर लीजिए, एटलीस्ट लेड तो जल ही जाएगा।